आपदा व महामारी की इस घड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार केवल बातें करके इस महामारी को भगाने की तैयारी कर रही हैं, जबकि धरातल पर सरकार बैकफुट पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों के व्यापार चौपट हो चुके हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों का बुरा हाल है, सरकार को गंभीरतापूर्वक इन विषयों के ऊपर सोच समझकर कोरोना रिलीफ योजना बनानी चाहिए, जिससे समाज को आर्थिक मदद मिल सके और इस योजना के तहत एक साल के लिए बैंक लोन, बिजली बिल, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के पैसेंजर एवं रोड टैक्स तथा व्यापारी टैक्स की लगान दर कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारियां नाकाफी हैं और अब तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि आगे क्या करना है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में दुकानदारों से लेकर रोजाना काम करके अपना जीवन गुजर करने वाले लोगों की हालत बदतर हो चुकी है, लेकिन सरकार इनके लिए किसी भी तरह की आर्थिक मदद की पैकेज के प्रति कोई गंभीर नहीं है और सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है, जबकि सारा व्यापार और अन्य कामकाज चौपट हो चुके हैं। उन्होंने इन वर्गों के लिए विशेष राहत व रियायत की मांग करते हुए कहा कि जब आर्थिक रूप से सब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे तभी कोरोना महामारी से निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने परिवार की चिंता सता रही है, इसलिए वे आगे आकर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनता के बारे में नहीं सोचेगी तो महामारी के साथ साथ लोग भुखमरी व चिंता में अपवादग्रस्त होकर मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जनता की जान की सुरक्षा करने के लिए योजनाएं ना सिर्फ लेकर आए बल्कि उन्हें लागू भी करें। सुनील शर्मा ने जनता से भी आग्रह किया कि खुद को बचाने के साथ साथ दूसरों को जागरूक कर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि अब हिमाचल में ब्लैक फंगस भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में स्वयं भी जागरूक रहें और सजग रहें, तभी सभी महफूज रह सकते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या महामारी हो, ऐसे समय में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो परिस्थितियों के आधार के ऊपर ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि जनता की जान की सुरक्षा हो, उनके माल की सुरक्षा हो और उनकी आर्थिक परिस्थितियां सही सलामत रहें। जयराम सरकार जी, आप आज की तारीख में योजनाएं बनाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। केवल मात्र आपको दो योजनाओं के ऊपर बहुत ही सार्थक तरीके से काम करना है। एक, अस्पताल की सुचारू व्यवस्था का आंकलन करना। आज की तारीख में मरीज महंगे अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अस्पतालों में उनको जिस तरीके से उनके रिश्तेदार वीडियोस वायरल कर रहे हैं, उससे स्पष्ट झलकता है कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेवारियों को सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हुए हैं। और दूसरी तरफ, दूसरी योजना जिसके ऊपर आपको काम करना है, जितने भी प्राइवेट उपभोक्ता हैं उनके बैंक के लोन, बिजली का बिल, आपको इस तरीके से उनकी दरों को कम करना है ताकि उनकी जेब का पैसा उनके पास ही रहे। प्राइवेट उपभोक्ता, किसी के पास कमर्शियल बिजली के मीटर हैं, उसकी फैक्ट्री के ऊपर, उसके कारोबार के ऊपर 5-6 लोगों के परिवार आश्रित हैं और उसके सब कुछ व्यापार बंद है, लेकिन उसका बिजली का बिल उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। उसका बिजली का बिल, बंद मशीनों का बिजली का बिल आप ले रहे हैं। और दूसरी तरफ, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, किसी ने कोई बैंक का लोन लिया हुआ है, कोई बड़े दुकानदार हैं उन्होंने बैंक का लोन लिया है, उस लोन की दर को आपको कम करना होगा। व्यापार चौपट हो चुका है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा हालत है, बस टैक्सी के लोग घर में बैठे बैठे रोड टैक्स आप उनसे ले रहे हैं, पैसेंजर टैक्स आप उनसे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ऐसी योजना बनानी है जिससे कि आर्थिक परिस्थितियों से लोग जो हैं वो परेशान ना हो। आपके पास, केंद्र सरकार के पास 36,000 करोड़ रुपए का कोरोना का बजट है। आप हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है,
केंद्र में आपकी सरकार है, आपको हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य की और आर्थिक परिस्थितियों के आधार के ऊपर स्पेशल पैकेज हिमाचल के लिए लेना चाहिए, जिसको लेने में आप नाकाम साबित हुए हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप अस्पतालों की सुचारू व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें और बैंक लोन, बिजली बिल, पैसेंजर टैक्स, रोड टैक्स और व्यापार के ऊपर जो टैक्स हैं उनको कम करें, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो और खराब ना हो।